आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में सूर्य सप्तमी की कथा सुनेंगे, जिसे भाव व श्रद्धा पूर्वक सुनने सुनाने से सूर्य देव की कृपा से शारीरिक कष्टों से मुक्ति पाता हुआ मनुष्य आरोग्यता को प्राप्त करता है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, माघ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली सप्तमी, सूर्य सप्तमी, रथ सप्तमी, आरोग्य सप्तमी व अचला सप्तमी के नाम से जानी जाती है, जो कि इस वर्ष 2021 में 19 फरवरी दिन शुक्रवार की है। इस दिन सूर्य देव की पूजा करने का विधान है। मान्यता के अनुसार सूर्य सप्तमी के दिन सूर्यदेव अपने सात घोड़ों के रथ पर सवार होकर प्रकट हुए थे और अपने प्रकाश के द्वारा सारे संसार को प्रकाशित किया था। माघ माह में सूर्य सप्तमी के दिन पवित्र तीर्थ स्थानों पर स्नान करने का भी विशेष महत्व है। यदि आप किसी पवित्र तीर्थ पर स्नान के लिए ना जा सकें तो घर पर ही नहाने के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर एक लोटे में जल लेकर उसमें लाल चंदन, चावल, चीनी, काले तिल व लाल रंग का फूल डालकर सूर्य देव को अर्घ दें। अर्घ देते समय ओम सूर्य देवाय नमः या गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए सात परिक्रमा लगाएं। पूजा कर सूर्य सप्तमी की कथा सुनें। रख सकें तो व्रत रखें और व्रत न कर सकें तो पूजा कर कथा सुनें। यथाशक्ति अन्न जल वस्त्र का दक्षिणा सहित दान दें, फिर स्वयं भोजन कर लें। इस प्रकार इस दिन सूर्य देव की पूजा आराधना करने से आरोग्यता, सुख समृद्धि, योग्य संतान व सुखी दाम्पत्य जीवन की प्राप्ति होती है। सूर्य सप्तमी का महत्व बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था, जो मनुष्य इस दिन सूर्य आराधना कर व्रत धारण करता है, दान पुण्य करता है, वह वर्ष भर किए जाने वाले रविवार के व्रत के फल को पाता है। आइए अब सुनते हैं सूर्य सप्तमी की कथा। कथा के अनुसार प्राचीन काल में इंदुमती नाम की एक गणिका थी, जिसने अपने जीवन काल में कोई भी धर्म पुण्य का कार्य नहीं किया था। समय बीतने के साथ साथ जब उसे इस बात का एहसास हुआ कि आयु बीत रही है और कोई धर्म का कार्य नहीं किया, तो वह अपने जीवन के अंतिम क्षणों को याद करती हुई गुरु वशिष्ठ जी के पास गई। वशिष्ठ जी को प्रणाम कर उसने उनसे अपनी मुक्ति का उपाय पूछा। वशिष्ठ जी ने बताया कि माघ माह की सप्तमी अचला सप्तमी के नाम से जानी जाती है। इस दिन सूर्य देव का ध्यान कर गंगा में स्नान करने और सूर्य देव को अर्घ देने से पापों का नाश होता है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तब उस गणिका ने वशिष्ठ जी के बताए अनुसार सूर्य सप्तमी का व्रत कर सूर्य आराधना की, जिससे उसे मृत्यु लोक से जाने के बाद इंद्रलोक की अप्सराओं में शामिल होने का गौरव मिला।
भविष्य पुराण की एक अन्य कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शांब को अपने शारीरिक बल पर बहुत अभिमान था। एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान श्री कृष्ण से मिलने आए। तप के कारण दुर्वासा जी का शरीर अत्यधिक क्षीण था। उनके कमजोर शरीर को देखकर शांब को हंसी आ गई। जब दुर्वासा ऋषि को शांब के हंसने का कारण पता चला तो वह क्रोधित हो गए और उन्होंने शांब को कुष्ठ रोग हो जाने का श्राप दे दिया और वहां से चले गए। शांब अपने किए पर अत्यंत लज्जित थे, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। दुर्वासा जी के श्राप का असर शांब पर दिखने लगा और जब भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता चला तो उन्होंने शांब को माघ शुक्ल सूर्य सप्तमी का व्रत रख सूर्य देव की उपासना करने को कहा। शांब ने अपने पिता के कहे अनुसार माघ शुक्ल सूर्य सप्तमी का व्रत रख सूर्य देव की आराधना की। कुछ समय बीतने के बाद शांब कुष्ठ रोग से मुक्त हो गया और फिर से सुंदर व स्वस्थ शरीर पाकर वह नित्य सूर्य देव की आराधना करने लगा। बोलो सूर्य देव भगवान की जय। बंधुओं, सूर्य देव की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आरोग्यता, सुख समृद्धि व अन्न धन के भंडार से आपका घर आंगन भरा रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।